कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा के आज 2 साल पूरे हुए, 20 मार्च निकाला गया, आप भी यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ आपने बातचीत की, क्या कहना चाहेंगे, ये खास मौका है? बात यह है कि ये परिवार के रूप में हम लोगों ने करीब 145 दिन की यात्रा की, और गर्मी में, ठंड में, वर्षा में और बर्फबारी में हम लोगों ने सबने मिलकर यात्रा पूरी की, तो एक जुड़ाव हो जाता है जैसा परिवार का वैसा हुआ। जिस तरह से सर, अब आने वाले दिनों में सर जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, अमित शाह जी ने वहां पर रैली की, उनका कहना था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उनकी सरकार वहां पर नहीं बनेगी। बात यह है कि ये तो नतीजा जनता पे छोड़िए किसी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन मूल बात यह है कि लोगों के को ये उम्मीद थी कि चुनाव होने के पहले जो गृह मंत्री जी बार बार भरोसा दिलाते रहे कि राज्य का दर्जा कश्मीर को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को, लेकिन नहीं मिला। तो ये यूनियन टेरिटरी में क्या अधिकार होंगे उसको भी परिभाषित नहीं किया गया अभी तक, इसलिए लोगों में निराशा है लेकिन गुस्सा भी है। सर, उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि अगर ये लोग पीछे पीछे आए तो आतंकवाद का साया भी पीछे पीछे आएगा, अगर बीजेपी आई तो आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद का आप देख रहे हैं, आप ही लोग अपने चैनल पर रोज बता रहे हैं, आज यहाँ आतंकवाद का हमला हुआ, कल वहां हुआ, रोज तो आप लोग बता रहे हैं, तो अमित शाह जी फिर क्यों गलत फहमी पैदा करते हैं? सर, एक बड़ा सवाल ये चल रहा है आजकल कि जिस तरह से सर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन अब थाम लिया है, उसको लेकर सर ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ तौर से कहना है कि हरियाणा जो खेल का मुकुट था उसको बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगा गए, पूरी साजिश जो है वो उसके पीछे कांग्रेस थी। बदनाम देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी ने किया है तो ब्रजभूषण सिंह और उनके शिष्य संजय सिंह ने किया है। सर, आखिरी सवाल रहेगा सर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से निशाना लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से निशाना लगाया दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को कि उन दोनों लोगों ने राजनीति के लिए हरियाणा की जो बेटी है उनका इस्तेमाल किया। देखिए, बात यह है, अगर ब्रजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते भाजपा में रहे तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो प्रचार करने भी जाएंगे जी, हरियाणा में प्रचार जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दिव्यांक तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.